याकी भरी पवे जीवन गे सजनी बाकी जारी री जावे मन याकी भरी पवे जीवन गे सजनी बाकी जारी री जय झारखंड। टुडे ब्लॉग वीडियो आज हम लोग जा रहे हैं, हम और दिवाकर और दो भैया हैं और दिखाएंगे, अभी कैमरा खुलाएंगे उसके बाद आपको। अभी हम लोग जा रहे हैं कुर्मी महाजुटान में भैया के साथ और अभी निकल चुके हैं घर से हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग मासलिंग घाट में हैं, जा ही रहे रास्ते में है, मासलिंग घाट का फाटक है और दिखा रहे हैं अभी। और दो भैया साथ में हैं, उन लोग को अभी दिखा रहे हैं कौन कौन है। अभी आज कहाँ जा रहे थे? यहाँ पर देखिए जो अभी ड्राइव कर रहे हैं कार को, वो है चौधरी चरण भैया और इधर है, नाम बताइए आपका? उमेश भैया। अभी हम लोग फिलहाल रास्ते में हैं, जा रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। अभी पहुँचने के बाद फिर आपको दिखाएंगे, पहुँचने के बाद ही। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे शायद टेक रहे हैं गाड़ी को, रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोग अभी रुकेंगे नहीं, जल्दी में है। यहाँ पर देखिए और एक ग्रुप में रोकने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को लेकिन हम लोग अभी रुकेंगे नहीं, फिलहाल जल्दी में है। हम लोग अभी कुर्मी महाजुटान में जा रहे हैं तो दीपाकर भैया साथ में हैं, तो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि अभी हम लोग जा रहे हैं महाजुटान में, कुर्मी महाजुटान किस तरह होता है और वहाँ किस किस बात का चर्चा किया जाता है? आज सही बात है कि हम लोग एक साथ कुर्मी महाजुटान में भाग लेने के लिए निकल चुके हैं और बड़े हर्षोल्लास से हम लोग कुर्मी महाजुटान में भाग लेने जा रहे हैं। और कुर्मी जुटान का स्थान है रामली चास बोकारो और बहुत ही नज़दीक हम लोग आ चुके हैं और कुछ ही मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। आज शॉर्ट से मैं बोल रहा हूँ कि कुर्मी महाजुटान का कार्यक्रम है और कुर्मी को ST में शामिल करने की मांग और कुर्मी को विभिन्न मुद्दों और विभिन्न योजनाओं से वंचित रखा गया है, जिसके लिए आज कुर्मी का विशेष रूप और विशेष वस्तु पर चर्चा किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे बीच में हमारे साथ एक सामाजिक बड़ा सामाजिक चेहरा साथ में है और जो हर पल हर समय समाज के साथ हर दुख सुख में खड़े रहते हैं और समाज का जो भी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग भी करते हैं। और आइए उनसे तो आपको मुलाकात करवाते हैं, इनका नाम है बड़े भाई चौधरी चरण महतो, आइए उनसे थोड़ा रूबरू कराते हैं। मैं जो पहले बोले कि आइए मैं एक बड़ा फेस चेहरा दिखाते हैं, तो आइए उनसे रूबरू कराते हैं और उनसे कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। ड्राइविंग करें इसलिए उसका फेस पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं और अभी आप चलिए उससे पूछते हैं कि इस महाजुटान में क्या होने वाला है और इस महाजुटान का क्या विशेषता है, संक्षिप्त में थोड़ा जानकारी लेते हैं। बोलिए, हम गाड़ी चला रहे हैं, दोनों को ब्लॉग बना रहा है अभी, चलो कोई बात नहीं, इंजॉयिंग सफर है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, दोनों को बोल दिया। हम लोग लगता है पहुंचने वाले हैं रामडी मोड़ चास, जहाँ पर आज आदिवासी कुर्मी जीवामन झारखंड प्रदेश के द्वारा कुर्मी महाजुटान का आयोजन किया गया है। तो महाजुटान में तो मुझे लगता है कि हजारों लोग तो जुटेंगे, 10,000 से कम लोग तो नहीं जुटना चाहिए जहाँ तक मुझे अंदेशा लग रहा है। बाकी मौसम की मार के कारण हो सके लोग के कुछ कम हो सकते हैं लोग, और जहाँ तक हम मुझे जानकारी है कि अब कुर्मी आंदोलन जो ST इंक्लूजन को लेकर लगातार वर्षों से चल रहा है वो अब अपना दूसरा तीसरा फेज पे आ गया है और आंदोलन हम लोगों का चरम पर है और कहीं ना कहीं कुर्मी महाजुटान जो है मील का पत्थर तो जरूर साबित होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय आज लिया जाएगा कि मतलब आगे चलकर कुर्मी को आदिवासी सूची में जो सूचीबद्ध होने की जो मांग वर्षों से चल रही है उस पर जल्दी से जल्दी सरकार विवश हो जाए और कुर्मी को ST जो अनुसूचित जनजाति में जल्दी से जल्दी सम्मिलित कर देगा, कहीं ना कहीं एक आज ऐसा निर्णय लिया जाएगा। और हम मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार विवश हो जाएगी, सरकार पर ऐसे दबाव बन जाएगी आज का जो सम्मेलन का दृश्य को देखकर
ये तो जरूर है। बाकी वहाँ पर जाने के बाद में पता चलेगा कि किस किस विषय पर डिस्कशन होगा और अपना भाषा संस्कृति नेगाचारी सारे विषयों पर। नहीं, एक दिन तो तय है, होगा जरूर। कुड़मी का जो प्रथागत नियम है, जो प्रथागत व्यवस्था के साथ चलता है कुड़मी, इस विषय पर चर्चा की जाएगी, लोगों को जागरूकता लाया जाएगा। और साथ ही साथ में जो बहुत तरह के हमारे यहाँ तक खबर है कि भाषा शिल्पी, सांस्कृतिक शिल्पी लोग, झूमर शिल्पी लोग सभी, विकास जी आ रहे हैं, मिश्र जी, महतो जी आ रहे हैं, रेवती महतो जी आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि लोग आज का जो माहौल रहेगा वहाँ का, एंजॉय भी लोग करेंगे। आज खुश खास ब्लॉग बनने वाला है, फेमस जो हम लोग गायकर है रेवती महतो जैसे, और भी जो झूमर के आए हुए हैं उनका भी मिलेगा। भी हम लोग थोड़ा लेट हो चुका है, इसलिए हम लोग लेट से थोड़ा पहुँच रहे, इसलिए आपको ब्लॉग भी थोड़ा अब पूरा शायद नहीं मिल पाएगा, जो पूरा चीज आपको नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। चलिए आप कंटिन्यू रहते हैं और आगे चलिए आपको दिखाते हैं। अभी पहुंच के, अभी तो रास्ते में ही है, पहुंच करीब करीब आ चुके हैं जहां आप लोगों को जाना है। हम लोग पहुंच ही चुके हैं, शायद यहां पर गेट बना हुआ है पीला कलर का, पीला कलर का गमछा पहनते हैं ज्यादातर कुड़मी समाज के लोग ही। और ये यहाँ पर देखिये पीला कलर का गेट भी बना हुआ, देखिये यहाँ लिखा हुआ है कुड़मी जनजाति माजूटान। अगर कहाँ किधर से रास्ता हम लोग को अभी मालूम नहीं है, आगे चलते हैं उसके बाद फिर देखते हैं किधर से रास्ता है। देखिए हम लोग ठिकाना तो पहुंच गए, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आ रहा किधर जाना किधर है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है। आगे में और एक गेट बनाया हुआ है और अभी इधर महिलाएं लोग जा रही है, भीड़ तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी। देखिए रोड में, देखिए मेन रोड में देखिए काफी भीड़ दिखाई मिल रहा है। In 500 meters, turn right toward Raghunathpur, Chaz main road. मैप का सारे लेते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर पहुंच ही गए हैं जहाँ हम लोग को मंजिल पहुंचने का। यहाँ देखिए अब कार पार्किंग होगा, हम लोग इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। अभी बाकी सब काम अब कर रहे हैं कि अब पार्वती बाबू है सबाई के हमें छोटो भाई लगे उस सबको छड़ा अपनी जोहार को देखा भाई कुर्मी की मिट्टी और कुर्मी की जूता हमें यह मीटिंग जाए जोहर आजोर यह माँ जुटाने और किना को अंगे रहने तो मत पर कुटाने आज महा जुटाने और भिड़े रहे मत पर कुटाने हेटा रहे उठाई के नहीं तो सबा के हम तरह जोहर और आज ये आड़ा पता है हमने पहुंचे नहर मोहन को भी गोविंद दादा पथरा को जोहर आरो हमें सौ नहर और बन बजा के सब महत रहेंगे नहीं